भागलपुर में एक बार फिर से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। इस बार मौका लोक आस्था के महापर्व छठ के पहले दिन का है। छठ व्रतियों की सुविधा के लिए हो रहे सड़क निर्माण को रोका गया। रोकने वाले समुदाय के लोगों ने कहा, यह मस्जिद की जमीन है, यहाँ से सड़क नहीं गुजर सकती है। सड़क बनने में रुकावट आई तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने सड़क निर्माण इसलिए रोका क्योंकि उनको हिंदू त्योहार से परेशानी है। इस दौरान विवाद भी हुआ जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हालांकि समय रहते स्थानीय पुलिस ने स्थिति को संभाल लिया और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। मस्जिद की जमीन बताकर सड़क निर्माण रोकने वालों से जब प्रशासन ने कागज की मांग की तो घंटों तक कागज नहीं दिखा सके, जिसके बाद प्रशासन ने फिर से सड़क निर्माण शुरू कराया। इस घटना के बाद मुस्लिम पक्ष से जब मीडिया ने सड़क निर्माण कार्य को रोकने की वजह पूछी तो बताया गया कि कोई भी प्रतिमा विसर्जन के लिए इधर से ले जाता है तो हंगामा करता है, डीजे बजाता है, जिससे नमाज पढ़ने में परेशानी होती है। सुबह में जो काम थोड़ा रुका गया, इसलिए काम रुका गया, अभी से कुछ महीना पहले या 6 महीना पहले जो यहाँ पे जो है ना, कुछ लोग पार किया, कोई भी उन लोगों का होगा क्योंकि हम थे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे मस्जिद के पास इन लोगों ने शोर शराफा किया बजा के साथ, डीजे के साथ। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए थोड़ा देर के लिए यहाँ पे काम रुका गया। हम ये चाहते हैं कि आपस में गांव में जो है मिल करके रहे, कोई एक दूसरे को नफरत के नगाह से ना। कौन सा काम रोक दिया था हमें ये ना, कौन काम रुका गया? जैसे कि आप मूर्ति ले जा रहे हैं या और कोई लाशें भी ले जा रहे हैं, कुछ भी ले जाने आने का कोई मना नहीं है, लेकिन क्या है इसका ख्याल करते हुए जाए ताकि यहाँ पे डिस्टर्ब ना होना चाहिए किसी को। क्या डिस्टर्ब करता है? जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं हम, नमाज पढ़ते हुए टाइम में आप बजाइए मत, जैसे मस्जिद है या मंदिर है उसका लिहाज रखिए, जो किसी के धर्म को ठोस नहीं पहुँचना, किसी के धर्म को ठोस नहीं पहुँचना चाहिए। इस घटना को लेकर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि प्रणव ने बताया कि 420 फीट का सड़क है, काम पहले होना था नहीं हो सका, सोचा अभी काम हो जाएगा तो छठ व्रतियों को जाने में आसानी होगी, लेकिन मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई। इनका सगा हुआ कि दोनों सामाजिक मतलब रहना चाहिए, समाज के द्वारा हुआ कि नहीं यहाँ मस्जिद के आगे में से जो है ना सड़क हम बनने नहीं देंगे। कौन कर ग्रामीण सब मुस्लिम समुदाय के जो भी थे। अच्छा अच्छा, तो हुआ क्या कि भाग क्यों, तो वही आने जाने में मतलब नमाज अदा होता है तो हल्ला करते लड़का सब अंदर से जाता है, उसके कारण व्यवधान होता है नमाज अदा करने में। यही तो थोड़ा सा था सामंजस्य, उस सामंजस्य दूर हो गया, थाना प्रभारी जी आए हुए थे कन्हैया कुमार जी, तो समझौता करा के आपसे उसके समझौता। कुछ लिखित में भी दिए? नहीं, लिखित में बोले जो भी समस्या है थाना आइए वहाँ बैठ के समझौता कर देंगे, यहाँ मौखिक हो गया है अपना जो भी होगा लिखित में थाना में किया जाए, तो अभी तक कहीं कोई दिक्कत नहीं, सब काम दोनों समुदाय का लोग को हो गया कि नहीं भाई काम होना चाहिए, क्या गांव समाज का बहुत कष्ट झेले हैं। मामला यही हो रहा था कि मुखिया जी सब चीज़ करवा के ये आज रोड को जो है रुकावट कर रहा था, हाँ बोला कि बनने नहीं देंगे, तो फिर जो है थाना प्रभारी को फोन किया, काहे नहीं बनने देंगे, अब वही तो मकसद पूछ रहा था ना कि काहे नहीं बनने दीजिएगा, तो इसका मकसद बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जब जो इधर से गुजरते हैं छठ पर्व में या कोई भी चीज में तो आप लोग शोर शराबा करते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकता है, ये एकटा सरस्वती पूजा में जो है ये सब बोल रहा था कि इस जगह बजा बंद कर दीजिए, यही लड़का है पूछिए इस जगह बंद रहता है, उसके बाद आगे क्यों बंद करवा देता है? इस जगह बंद करवा देता है कि इस जगह मस्जिद है बजने नहीं देंगे, तो हम सब बंद करके आगे मेन रोड पे बजाते हैं और कोई बात नहीं है, और कुछ नहीं है। मतलब इधर से नहीं जाने देंगे? लाश आज लाश निकला था, आज नहीं निकला, रोड जो बन रहा है रोड का वही बोल विवाद हुआ है, रोड नहीं देंगे बनने के लिए, इधर इस जगह नहीं बने उधर बनेगा, इधर इस जगह नहीं बनेगा। हम लोग कहते हैं कि छठ पूजा हम लोग यहाँ कचरे में देख पार नहीं करेंगे, नहीं सारे दिन कचरा रहता, हम लोग साफ किया था फिर कचरा कर दिया। फिलहाल छठ की सुविधा को देखते हुए सड़क निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया, दोनों पक्ष अब शांत हैं। TV9 के लिए भागलपुर से शिवम की रिपोर्ट।